में चुनाव की तारीखों का ऐलान होने में अभी कुछ वक्त बाकी है, लेकिन नेताओं की रैलियां लगातार हो रही हैं। इसी कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी रैली की और उन्होंने अलीगढ़ में समाजवादी पार्टी और बीएसपी पर निशाना जमकर साधा। उन्होंने कहा दोनों दल यूपी में राज कर चुके हैं, लेकिन बदकिस्मत की रही कि दोनों यूपी को जंगल राज की और ले गए, लेकिन मेरी मतदाताओं से गुजारिश है कि वो हमें 5 साल और दें, हम यूपी को एक नंबर एक करा के यूपी देश की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बना हुआ है। बीजेपी की सरकार ने समाज के हर वर्ग को साथ लेकर चलती है, जबकि एसपी और बीएसपी बुआ और बबुआ की सरकार केवल जाति विशेष के लिए ही काम करती रही है। अमित शाह ने कहा कि हमारी सरकार काम करती है विकास, व्यापार और सांस्कृतिक विरासत। अमित शाह ने आगे ये भी कहा कि बीजेपी सरकार जो कहती है वो करती भी है। और आइए अब सुनते हैं कानून व्यवस्था को लेकर महिलाओं का क्या कुछ कहना है। अक्सर राजनीतिक पार्टियों के चुनावी रैलियों में आप लोगों ने महिलाओं की भीड़ बहुत कम देखी होगी, लेकिन योगी सरकार ने ऐसा क्या किया है जो तमाम महिलाएं जो है जो हम देख रहे हैं और इस समय जो चुनाव की रैली तमाम महिलाएं यहाँ दिखाई दे रही हैं। महिलाओं से हम जानने की कोशिश करते हैं आप लोग क्यों और क्या महसूस कर रहे हैं इस समय, क्या महसूस कर रहे हैं इस समय भाई? आप ये बीजेपी की रैली है, बहुत कॉन्फिडेंस फील करते हैं हम, क्योंकि हमें एक अच्छी सुरक्षित सरकार मिली है, तो इसमें हमारी जो नारियां हैं सब बहुत सुरक्षित हैं और बहुत ही ईमानदारी से आई है, कोई धक्का मुक्की नहीं, कोई बदतमीजी नहीं, अच्छी जन विश्वास महिलाओं के लिए अलग बहुत अच्छा लगा हम लोगों को यहाँ पर। क्या मानती है कि महिलाओं को जो पहले जो लोग कहते हैं कि सर तमाम महिलाओं के साथ तमाम घटनाएं होती थी घरों से पर और महिलाएं बाहर जाने से डरती थी, तो क्या अब वो अंतर है? बहुत अंतर है भाई, इस समय तो इतना अंतर है, जबरदस्त अंतर है। पर्स छिन जाते थे और चैन खुल जाती थी और दुपट्टे खुलते थे लड़कियों के थी, क्योंकि शायद सरकार दूसरी अलग हुआ करती थी। और इस समय हम इतने सुरक्षित हैं कि लड़कियां बिंदास बेखौफ निकल के जाती हैं हमारी, और मैं भी अगर अकेली घर से बाहर निकलती हूँ तो बड़ी बेखौफ अंदाज से निकलती हूँ, क्योंकि मुझे कोई भी डर नहीं है किसी, स्थिति भी बहने खड़े किसी को डर नहीं है, अकेले आती जाती है। और योगी जी ने नारी योजना चलाई है, बहुत ही बेहतर बेहिंदा अच्छी योजना चलाई है। कितने आप सुरक्षित है भैया? बहुत सुरक्षित। हम रात को 11:30 बजे शादी में से आए, मैं कोई डर नहीं लगा। डायमंड पहन के निकलती है, कोई डर नहीं है, मैं अकेले जाती हूँ। ज्यादातर मेरे पति कम जाते क्योंकि बिजनेस मैन है, जब हमारे पति बिजनेस मैन है हम कम निकल पाते थे, लेकिन हम डायमंड पहन के गोल्ड पहन के बड़ा पूरा जेवर पहन के बाहर निकलते हैं, कोई डर नहीं है हमें किसी बात का भी। क्या मानती है जो महिलाओं के लिए सरकार के द्वारा जो तमाम योजना का लाभ है कि आप बहुत सारी महिलाएं यहाँ पे आई है रैली भाग नहीं सभी को मिला है ये हम नहीं कह सकते, क्योंकि बीच में भ्रष्ट लोग भी हैं जो योगी जी की मोदी जी की आम जनता तक नहीं पहुंचने देते। क्या है गरीबों के लिए राशन फ्री है एकदम से, बिल्कुल फ्री हुई है, और हम लोगों को हमारे जेंट्स लोग हमें रोकते थे कि नहीं जाओ, लेकिन इस सरकार में बिल्कुल छोड़ रखा है जाओ। मोदी सरकार के द्वारा महिलाओं की शादी की उम्र 21 साल कर दी गई, बहुत अच्छा हुआ है। 21 साल कर दिया, हमें बहुत अच्छा लगा कि बच्चों 18 साल एज करी थी उन्होंने, है ना, 21 साल जो एज करी है हमें बहुत अच्छा लगा, ऐसे बेटियां मतलब अच्छी तरह से समझ परिपक्व हो जाती है, समझदार हो जाती है उनकी, क्योंकि 18 लड़कियों की उम्र पूरी नहीं हो पाती थी, पढ़ाई नहीं पूरी, लेकिन आज माँ बाप भी सोचेंगे 18 साल लड़की भी आराम से कर लेती है और अच्छी है शिक्षा। लगता है कि सरकार के द्वारा जो भी योजना महिलाओं के लिए चलाई गई है वो महिलाओं में काफी कहीं ना कहीं जो है जागरूक है, और उसी की देन है कि आज यहाँ भारतीय जनता पार्टी की इस अमित शाह जी की सुनने के लिए बहुत सारी महिलाओं की जो यहाँ पर भीड़ आई है। कैमरा पर्सन प्रकाश सिंह के साथ सारा समय के लिए अलीगढ़ से धीरेन्द्र सिंह।